हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं। आज की स्टोरी में जो वर्ड आए हैं उनका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन मैं नीचे लिखते जाऊँगा और साथ ही इसमें कुछ फ्रेज़ आए हैं। आज की स्टोरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ फ्रेज़ हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनको मैं आसानी से बताऊँगा। साथ ही यहाँ मैं जो सेंटेंस में वर्ब आई है उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हैं रोजाना इसी तरह की वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं यहाँ रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देयर वर टू मैन हु वर वॉकिंग साइड बाई साइड। ठीक है, दो व्यक्ति आए हैं उसके लिए वर आया है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हु के बाद जो वर्ब आती है वो हु से पहले वाले नाउन के हिसाब से आती है। यहाँ क्या है, मैन एम ई एन प्लूरल है, सिंगुलर होता तो एम ए एन, तो यहाँ भी वर्ब आया है। ठीक है, दियर वर टू मैन। ठीक है, दियर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। दो आदमी थे हु जो वर वॉकिंग साइड बाय साइड, जो साथ साथ, ठीक है, साइड बाई साइड साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, देयर वर टू मैन हु वर वॉकिंग साइड बाई साइड, दो आदमी थे जो साथ साथ चल रहे थे। साथ साथ के अर्थ में साइड बाई साइड आया है। बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम वन एनोदर, बोथ दोनों, ये दो व्यक्ति थे, बोथ का यूज होता है दोनों के सेंस में, दोनों। वर डिफरेंट, दोनों भिन्न थे, दोनों भिन्न थे या अलग अलग थे, अलग थे। फ्रॉम वन एनोदर, एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से अलग थे। द फर्स्ट मैन वाज हैप्पी, पहला व्यक्ति, पहला व्यक्ति वाज माने था, हैप्पी सुखी, ओके। एंड और द सेकेंड मैन वाज सैड, और दूसरा दुखी था। ठीक है, एक बार पूरे सेंटेंस को समझ लेते हैं। द फर्स्ट मैन वाज हैप्पी, जो पहला वाला व्यक्ति था, सिंगुलर है, ठीक है, इस मैन में और इस मैन में डिफरेंट होगा, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। द फर्स्ट मैन वाज हैप्पी, पहला जो व्यक्ति था वो खुशी था, ठीक है। एंड द सेकेंड मैन वाज सैड, और जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो दुखी था। द हैप्पी मैन सेंग सॉन्ग्स एंड स्टेड जॉयफुल वाइल द सैड मैन कंटिन्यूड टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर। द हैप्पी मैन सेंग सॉन्ग्स, हैप्पी मैन सुखी व्यक्ति, सुखी व्यक्ति ने सेंग सॉन्ग गाना गाया, गाना गाया, ठीक है। एंड स्टेड जॉयफुल, स्टेड मतलब रहा, जॉयफुल खुश, ठीक है। एंड और स्टेड जॉयफुल खुश रहा, ठीक है। वाइल का यूज होता है जबकि, जब दो घटनाएं एक साथ हो रही हों तब कंजक्शन के रूप में वाइल लगाते हैं। जबकि द सैड मैन कंटिन्यूड टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर, जबकि दुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कंटिन्यूड टू वरी, लगातार चिंतित रहा, ठीक है, अबाउट हिज फ्यूचर, हिज अपने फ्यूचर भविष्य, है ना, अबाउट के बारे में, ठीक है, के बारे में, ओके। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। द हैप्पी मैन सेंग, सुखी व्यक्ति ने गाया सॉन्ग्स, गाना। एंड स्टेड जॉयफुल, और खुश रहा। वाइल द सैड मैन कंटिन्यूड टू वरी अबाउट हिज फ्यूचर, वाइल, जबकि द सैड मैन, वो दुखी व्यक्ति कंटिन्यूड टू वरी, लगातार चिंतित रहा, ठीक है,
अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में, ठीक है। व्हाट इफ आई बिकेम ब्लाइंड वन डे, व्हाट इफ, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इफ, यदि आई बिकेम ब्लाइंड वन डे, बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म है, बी ई सी ओ एम ई, बिकम होता है होना और बिकेम हो गया। व्हाट इफ, क्या होगा इफ, यदि आई बिकेम ब्लाइंड वन डे, आई बिकेम, मैं बिकेम हो गया, ठीक है, ब्लाइंड अंधा, वन डे एक दिन, ठीक है, एक दिन मैं अंधा हो गया तो क्या होगा। हाउ वुड आई वॉक, हाउ, कैसे, वुड, ये कोई एक हाइपोथेटिकल कंडीशन को दर्शा रहा है कि उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, संभावनाओं को। हाउ वुड आई वॉक, हाउ, कैसे, ठीक है, वुड आई वॉक, मैं चल सकूंगा, मैं चल सकूंगा, जब मैं अंधा हो जाऊंगा तो मैं कैसे चल सकूंगा, उसका ये कहना था। सैड द सैड मैन, ठीक है, ये सैड कहने वाला है और ये दुखी वाला, सैड, कहा द सैड मैन, उस दुखी व्यक्ति ने, उस दुखी व्यक्ति ने, किसने कहा, उस दुखी व्यक्ति ने, ही क्लोज्ड हिज आइज, ही क्लोज्ड हिज आइज, ही, उसने, ठीक है, अब सिंपल पास्ट में चल रहा है, बी टू आया, ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने क्लोज्ड बंद कर ली, बंद की हिज आइज, अपनी आंखें, ठीक है, अपनी आंखें बंद कर ली, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलने लगा, चलने लगा, ठीक है, ये क्या है, स्टार्टेड लगा और वॉकिंग, चलने, स्टार्ट अपने साथ आईएनजी लेता है, लाइक ए ब्लाइंड पर्सन, एक अंधे व्यक्ति के तरह, एक अंधे व्यक्ति की तरह वह चलने लगा। द हैप्पी मैन, जो सुखी व्यक्ति था, वाज वॉकिंग ऑन, सुखी व्यक्ति वाज वॉकिंग ऑन, चल रहा था, ठीक है, द साइड पास में, इंश्योरिंग दैट ही डिडेंट फॉल, इंश्योरिंग यह सुनिश्चित करते हुए, दैट कि ही डिडेंट फॉल, वह गिरे नहीं, इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए हुए, दैट कि ही डिडेंट फॉल, वह गिरे नहीं, ठीक है, वह यह सुनिश्चित करते हुए चलता रहा। सडनली द हैप्पी मैन सा ए बैग फुल ऑफ गोल्ड ऑन द ग्राउंड, सडनली अचानक, अचानक हैप्पी मैन, सुखी व्यक्ति ने, सुखी व्यक्ति ने सा देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है, ए बैग फुल ऑफ गोल्ड, एक बैग, ठीक है, फुल ऑफ गोल्ड, सोने से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, रास्ते में, ठीक है, रास्ते में, यस, जमीन पर, या जमीन पर, ओके, एक बार देख लेते हैं। सडनली द हैप्पी मैन, अचानक उस सुखी व्यक्ति ने सा देखा, बी टू यूज हुई है, सी की सेकेंड फॉर्म है, ए बैग फुल ऑफ गोल्ड, मतलब सोने से भरा हुआ बैग देखा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, व्हेन द सैड मैन ओपन्ड हिज आइज, व्हेन, जब द सैड मैन, उस दुखी व्यक्ति ने ओपन हिज आई, अपनी आंखें खोली,
अपनी आंखें खोली ही सा द बैग ऑफ गोल्ड इन द हैप्पी मैंस हैंड। ही सा उसने देखा द बैग ऑफ गोल्ड सोने का बैग, ठीक है, जिसमें सोना भरा था, इन द हैप्पी मैंस हैंड सुखी व्यक्ति के हाथों में, किसके हाथों में, सुखी व्यक्ति के हाथों में, ठीक है। अब एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। व्हेन द सैड मैन ओपन हिज आइज, व्हेन जब द सैड मैन उस दुखी व्यक्ति ने ओपन हिज आई अपनी आंखें खोली, ही सा द बैग ऑफ गोल्ड उसने सोने का बैग देखा, इन द हैप्पी मैंस हैंड जो सुखी व्यक्ति था उसके हाथों में, द सैड मैन रियलाइज्ड ही हैड लॉस्ट वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ हिज पैसिमिज्म। पैसिमिज्म होता है नकारात्मकता, ठीक है, या निराशावादिता, ठीक है। द सैड मैन रियलाइज्ड, द सैड मैन उस दुखी व्यक्ति ने, उस दुखी व्यक्ति ने रियलाइज्ड एहसास किया, एहसास किया, यहाँ जेड की जगह एस भी आ जाता है और जेड भी, उस दुखी व्यक्ति ने एहसास किया, ही हैड लॉस्ट वैल्यूएबल, हैड लॉस्ट पास्ट परफेक्ट में, वह हैड लॉस्ट खो चुका है वैल्यूएबल्स, कीमती सामान बिकॉज ऑफ हिज पैसिमिज्म का मतलब है बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, हिज पैसिमिज्म, अपनी निराशावादिता के कारण वह खो चुका है। He decided never to be negative again. फिर से कभी भी नकारात्मक न होने का। ओके, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नेवर टू बी निगेटिव, कभी भी नहीं होने का नकारात्मक अगेन, फिर से। द हैप्पी मैन देन गेव हाफ ऑफ द गोल्ड कॉइन्स टू हिज फ्रेंड। द हैप्पी मैन, उस सुखी व्यक्ति ने, ठीक है, फिर गेव हाफ ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, आधे सोने के सिक्के टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को, ठीक है। बोथ फ्रेंड्स वेंट ऑन दियर जर्नी सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, बोथ होता है दोनों, बोथ दोनों फ्रेंड्स मित्र, बेंट ऑन, बेंट क्या होता है, जाना, गो की सेकेंड फॉर्म गो जाना, और बेंट चले गए, बेंट ऑन दियर जर्नी अपनी यात्रा पर चले गए, सिंगिंग सॉन्ग्स गाना गाते हुए। इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल होता है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा क्या है, लिव इन द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में जिए, वर्तमान में जियो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।